मंदसौर में विकास की गति को पहिए लगे हुए हैं, पर लगता है कि नीमच में विकास की गति का पहिया पंचर हो चुका है, जिसका मुद्दा आए दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बनता जा रहा है, जिसे देख लगता है कि विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नीमच को बड़ी सौगात दिलाने के लिए कमर कस ली है और नीमच हवाई पट्टी के उन्नयन के प्रयास में जुट गए हैं। सोमवार को विधायक परिहार, लोक निर्माण विभाग संभागीय अभियंता आर के जैन, उज्जैन व नीमच के कार्यपालन यंत्री अधिकारी एम एस चौहान के साथ नीमच हाईवे पट्टी पहुंचे और निरीक्षण किया। अधिकारियों को विधायक परिहार ने बताया कि नीमच हवाई पट्टी का उन्नयन करने की मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी पत्राचार किया है, जिसमें नीमच हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग स्कूल, हवाई पट्टी का सीमांकन करने और बाउंड्री वॉल के निर्माण की मांग शामिल है। नीमच की हवाई पट्टी उज्जैन संभाग से सबसे पुरानी हवाई पट्टी में शामिल है, जिस पर बड़े हवाई जहाज भी उतर चुके हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कुछ वर्षों पहले बनी मंदसौर हवाई पट्टी के उन्नयन को लेकर सरकार की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसका श्रेय सांसद सुधीर गुप्ता को जाता है, क्योंकि वे भले ही नीमच, मंदसौर व जावरा संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, पर उन्हें पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक मंदसौर प्यारा है। और हो भी क्यों नहीं, आखिर मंदसौर उनका गृह क्षेत्र है और हर व्यक्ति की अपेक्षा रहती है कि उसका गृह क्षेत्र सर्व सुविधा युक्त रहे। यह तो संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के प्रयास होने चाहिए कि वे किस तरह अपने क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ा सके।